व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो में मैं आपको जो है ये बेली फैट लूज करना, साइड फैट लूज करना, ये जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों का यही क्वेश्चन होता है या फिर यही एक उनका क्वेरी होता है कि सर मुझे खाली अपना बेली फैट लूज करना है, साइड फैट लूज करना है, मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताइए जिससे मैं खाली अपना साइड फैट लूज कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में मैं उसके पीछे का जो है ये पूरा साइंस, आप कैसे उसको टारगेट कर सकते हो, आप कैसे वो लूज कर सकते हो या फिर जो भी है, ये मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एंड आज के वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ इट इज़ गोइंग टू बी प्योरली साइंस बेस्ड। सो फ्रेंड्स, अब बिना कुछ देरी किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। यस फ्रेंड्स, सो स्पीकिंग साइंटिफिकली, आप अपना जो बेली फैट है, साइड फैट है, जो भी है, लव हैंडल जिसे हम कहते हैं, वो आप कैसे लूज कर सकते हो। सी बेसिकली, नाउ थिंक प्रैक्टिकली एंड थिंक साइंटिफिकली। जो आपका बेली फैट है इट इज जस्ट अ फैट। आपका जो साइड फैट है वो क्या है? जो आपके बॉडी में जो फैट होता है वो जस्ट एक वैसे ही एक फैट है। सो मैंने अपने मिथ्स के वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने किसी एक पर्टिकुलर जगह से अपना बॉडी फैट लूज कर सकते हो। सो खाली बेली के ऊपर से, खाली साइड फैट की, खाली अपना जो आपका साइड फैट है मतलब आपका जो लव हैंडल से, खाली उतना ही फैट आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सो आई गेस कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। नाउ यू गाइज विल बी सेइंग कि अरे क्या बोल रहा है, हमें फैट लूज करना है यहाँ का और यू आर जस्ट डीमोटिवेटिंग मी। सी आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट कीपिंग द प्रॉपर साइंस बिहाइंड यू। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे कि दिस एक्सरसाइज टारगेट्स योर साइड फैट, डू दिस एक्सरसाइजेस आपका साइड फैट कम होगा। बट स्पीकिंग साइंटिफिकली, वो एक्सरसाइजेस करने के बाद क्या होता है, आपका जो साइड फैट वगैरह जो होता है या फिर आपका जो बेली फैट होता है वो कम नहीं होता। आपके जो मसल्स है, आपके जो अगर आप साइड के जो अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे तो आपके ओब्लिक्स मसल स्ट्रांग होते हैं। एंड अगेन अगर आप सामने वाले अगर क्रंचेस करोगे तो आपका रेक्टस एब्डोमिनस जो आगे वाला मसल है वो स्ट्रांग होता है। सो बेसिकली आपके जो एब्स के मसल है उन एक्सरसाइजेस के वजह से वो स्ट्रांग होते हैं। सो ऐसे कभी नहीं होता कि साइड फैट की कोई एक एक्सरसाइज है कि उस एक्सरसाइज से आपका साइड फैट जो है, अगर आप रेगुलरली वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका साइड फैट कम होगा। सी मैं जनरली देखता हूँ कि लोग करते रहते थिंकिंग दैट दे आर स्क्वीजिंग दैट फैट एंड उनका वो फैट कम हो रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट द साइंस, एंड नेचर ने ह्यूमन बॉडी को वैसे डिजाइन नहीं किया है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड अंडरस्टैंड दिस साइंस प्रॉपरली। सी नाउ स्पीकिंग साइंटिफिकली, आप अपने जो बॉडी में फैट है या फिर आपका बेली फैट है, साइड फैट है, उसे आप कैसे लूज कर सकते हो? सबसे पहले मेक योर बॉडी मोर मस्क्यूलर। मतलब मस्क्यूलर मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बी अ बॉडी बिल्डर, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू से अपने बॉडी में जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज मसल, उसे बढ़ाइए। और मसल बढ़ेगा कैसे? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, थ्रू वेट ट्रेनिंग से। जब आप मसल के ऊपर आप अगर लोड दोगे, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ अगर मसल को ट्रेन करोगे तो आपका मसल जो है ये ब्रेकडाउन होगा एंड अगेन इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। इस तरह जो है आपका मसल डेवलप होगा एंड आपका मसल बढ़ेगा। सो अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सी बिकॉज जो मसल है ये आपके जो बॉडी है, आपके बॉडी में जो है ये फैट को कम करता है। सी मैं आपको जो है ये सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सी अगर आप दो गाड़ियाँ लीजिए, एक गाड़ी जो है इसकी जो है पावर बहुत अच्छी है, एक गाड़ी की पावर जो है ये बहुत कम है। एक गाड़ी की पावर है समझो 500 और एक गाड़ी की पावर है 100। सो ये जो 500 की गाड़ी, जो 500 पावर की जो गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ये एक मिनट में या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा पेट्रोल या फिर ज़्यादा फ्यूल बर्न कर सकती है बिकॉज उसकी पावर इतनी है, उसे उसके लिए उतने फ्यूल की ज़रूरत है। अगेन ये जो 100 पावर की जो कार है वो उतना फ्यूल या फिर उतना पेट्रोल बर्न नहीं करेगी जितना 500 की जो गाड़ी है ये बर्न कर सकती है बिकॉज इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सिंपल, इस गाड़ी का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इस गाड़ी का इंजन कम पावरफुल है। नाउ ये मैंने अभी आपको क्यों बताया, इंजन इज इक्वल टू मसल।
सिंपल एज दैट। ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही वर्क करती है, जितने जैसे गाड़ी में जितना स्ट्रॉन्ग इंजन उतना वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, सेम एज इन जितने हमारे बॉडी में अच्छा खासा मसल मास होगा, मतलब हमारे बॉडी की जो पावर है वो अच्छी होगी। आप ऐसे ही एक लेम लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, आपके बॉडी में जो मसल है ये इंजन का काम करता है। सो आपके बॉडी में जितना ज़्यादा मसल होगा उतने बॉडी में आपको सबसे ज़्यादा फैट लॉस मिलेगा। आपकी बॉडी जो है इट विल यूज़ फैट एज अ फ्यूल। सो वैसे धीरे धीरे आपके बॉडी में फैट कम होगा एंड उस तरफ लव हैंडल्स है ये जो है ये आपके कम होंगे। एंड अगेन आपके बॉडी में अगर मसल ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 हॉर्स पावर एंड 500 हॉर्स पावर, सो आपके बॉडी में अगर 100 हॉर्स पावर जितनी कैपेसिटी होगी तो आप कितना भी वर्कआउट कीजिए, लेकिन आपके बॉडी में अगर मसल ज़्यादा नहीं होगा तो फैट ब्रेकडाउन होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अगेन उसको टाइम लगेगा धीरे 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 रिजल्ट्स आने को। लेकिन अगर आपके बॉडी में अगर हॉर्स पावर मतलब मसल मास अच्छा होगा, अगर आप वेट ट्रेनिंग अच्छी तरह कर रहे हो, अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, तो आपके जो है बॉडी में आपको फैट लॉस अच्छा मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स इन योर बेली फैट रीजन, साइड फैट रीजन। एंड अगेन मैं एक देखता हूँ कि मोस्ट कॉमन जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जब लोग वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं तब दे ईट जंक फूड एंड आफ्टरवर्ड्स दे रियलाइज कि वो सब जंक फूड था, वो उन्होंने खाना नहीं चाहिए, दे स्विच टू अ फिटनेस लाइफस्टाइल। बट अगेन द थिंग विच हैपन्स इज कि वो लोग जो है वो जो खाना खाते हैं वो हेल्दी मील खाते हैं, बट अगेन वो हेल्दी मील जो है वो ज़्यादा खाते हैं, दिन में 6 मील 7 मील 8 मील खाते हैं। सो अगेन 5 मील से 8 मील तक खाते हैं। सो अगेन विदाउट कैलकुलेशन वो जो है वो फूड कंज्यूम करते हैं। सो अगेन दे थिंक कि अरे पहले तो मैं जंक फूड खाता था, अभी मैं जंक फूड नहीं खा रहा, अभी मैं जो है ये हेल्दी फूड खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बॉडी में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। द रीज़न इज दिस इज द थिंग यू आर डूइंग रॉन्ग। सी अगेन आपको फैट लॉस करना है तो सिंपल साइंस है, आप जितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो आपको उससे ज़्यादा बाहर निकालने हैं, एक्सेस कैलोरीज बर्न करने हैं, एज सिंपल एज दैट, ये तो बेसिक साइंस है। सो अगर आप कैलोरीज ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो एंड यू आर नॉट पुटिंग दैट इनटू योर एफर्ट्स, तो अगेन इट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आप हेल्दी कैलोरीज भी कंज्यूम कर रहे हो यू विल अगेन गेन फैट बिकॉज एक्सेस कैलोरीज विल लीड देम टू डिपोजिशन इन एडिपोज टिश्यू, मतलब अगर आप एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो अगेन वो फैट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। सो अगेन प्लान योर मील्स अकॉर्डिंगली, मतलब जब आपको भूख लगती है तभी आप खाइए, इस तरह मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भूखी रहिए, लेकिन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्रॉपरली थोड़ा सा अपना डाइट प्लान प्लान कीजिए ताकि आप कैलोरीज जो है ये एक्सेस कंज्यूम नहीं कर रहे। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं देखता हूँ कि अगर आपको फैट लूज करना है तो लोग जो है बस कार्डियो करने में लगे रहते हैं, बस एक एक घंटा दो दो घंटा बस भागते रहते हैं, कार्डियो करते रहते हैं, दे जस्ट स्वेट इट आउट एंड दे थिंक कि उनका जो है ये फैट लॉस हो रहा है। बट अगेन सी कार्डियो की वजह से फैट लॉस होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगेन एक्सेसिव कार्डियो अगर आप करोगे तो फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस भी हो जाएगा, एंड सी आपका मसल लॉस हो गया देन अगेन योर इंजन इज बिकमिंग वीक, सो योर बॉडी जो है ये उतना फैट एज अ फ्यूल यूज नहीं करेगी। सो प्लान स्मार्टली, आप अपने कार्डियो रूटीन जो है ये 15 मिनट्स आधा घंटा भी बहुत हो गया, 15 टू 20 मिनट्स आपके कार्डियो रूटीन्स अगर आप हाई इंटेंसिटी से कर रहे हो तो बहुत हो गए, अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी से या फिर लो इंटेंसिटी से कर रहे हो तो हाफ एन आवर कार्डियो इज मस्ट या फिर बहुत हो गया। एंड अगेन इफ यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग फैट लॉस देन मेक श्योर कि आप आपका कार्डियो रूटीन जो है ये वेट ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद कर रहे हो, ताकि आपका जो है आप जो मसल है इसे भी आप फटिग नहीं कर रहे, एंड प्रॉपरली वेट ट्रेनिंग करने के बाद आपके बॉडी में एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ेगा एंड यू विल डू कार्डियो आफ्टर दैट, सो उसके वजह से जो है आपको अच्छा खासा फैट लॉस भी मिलेगा। एंड इफ योर गोल इज स्पेसिफिकली फैट लॉस देन आप ये जरूर ट्राई कीजिए, यू विल डेफिनेटली see results। And again now
मैंने बिल्डिंग मसल्स की बात की। सो अगेन चूज योर एक्सरसाइजेस वाइजली। सी आप जो है कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी कंपाउंड एक्सरसाइजेस मतलब क्या, मतलब आपके स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, ओवर द हेड शोल्डर प्रेसेस, ये जो है ये कंपाउंड एक्सरसाइज है जहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व है और आपके जो है ये मल्टीपल मसल ग्रुप्स ट्रेन हो रहे हैं उस एक्सरसाइज के दौरान। सो उसके वजह से जो है आपके जो है ये मसल्स अच्छे खासे बिल्ड होंगे एंड अगेन यू विल गेट गुड फैट लॉस बिकॉज ऑफ दैट। सी मतलब अगर आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो, एंड अगेन लेग्स के ऊपर से मुझे याद आया कि आई जनरली सी कि लोगों को जो है ये लेग्स ट्रेन करना पसंद नहीं है, दे जनरली स्किप लेग्स, बट अगेन लेग्स आर द बिगेस्ट मसल ग्रुप इन योर बॉडी। अगर आप लेग्स ट्रेन करोगे प्रॉपरली हफ्ते में दो बार, तो एटलीस्ट एक बार तो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर लेग डे, देन आपका जो है ये कभी फैट जो है ये नहीं आएगा। एंड अगेन डाइट ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, बट आइडियली अगर आप लेग्स अच्छी तरह ट्रेन कर रहे हो देन यू विल नॉट सी फैट बिकॉज दैट इज अ बिग मसल ग्रुप। एंड अगेन सी जैसे मैंने आप भी आपको बताया कि चूज कंपाउंड एक्सरसाइजेस, मतलब आप जो है स्क्वाट्स, सी अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो सो आप जो है आपके पास दो ऑप्शन है, स्क्वाट्स आप करोगे या फिर आप लेग एक्सटेंशन करोगे। सो You should choose squats because see आप जब squats train करते हो तब आपके hamstrings, आपके glutes, आपके quads, आपकी जो है पूरी जो body है ये train होती है। It is a compound exercise, multiple joints are getting involved. लेकिन अगर आप leg extensions करोगे तो leg extensions से only आपका जो है ये single joint is getting involved and आपका जो है ये particular एक ही area target होगा। सो अगेन ये ऐसे ही हो गया कि आपकी जो कैपेसिटी है उतना करने की बॉडी की, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट अप टू द मैक्सिमम, सो अगेन आपको फैट लॉस नहीं मिलेगा एज यू कैन सी। एंड अगेन एक लास्ट टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की कीप योर विल पावर हाई। अगर आपको एक चीज चाहिए सो कम्प्लीटली डेडिकेट यूर सेल्फ टूवर्ड्स दैट। सी आई जनरली सी कि लोग जो है मुझे साइड फैट लूज करना है, जिम में थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करेंगे एंड जिम के बाद दे विल ईट वड़ा पाव एंड ऑल स्टफ एंड दे विल से कि अरे मुझे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सी दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द वे योर इट वर्क्स। सो अगर आप इस तरह अगर आप कर रहे हो देन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपका जो है ये बेली फैट या फिर साइड फैट आपका जो है ये रिड्यूस होगा। इफ यू वॉन्ट टू डू इट देन यू शुड गेट कमिटेड टू इट, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड अगेन बी पेशेंट बिकॉज आपका जो फैट है ये ओवरनाइट बिल्टअप नहीं हुआ है, एक रात में आपका फैट बिल्टअप नहीं हुआ है, आपके फैट को बिल्ट होने के लिए कई महीने कई साल लगे हैं। सो उसी तरह उसे रिड्यूस होने के लिए भी कुछ टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड मैंने जो अभी आपको टिप्स बताई ये फॉलो कीजिए, आपको जो है आपका बेली फैट साइड फैट जो है ये जरूर आपका जो है ये रिड्यूस होगा। सो आई गेस कि आज का वीडियो भी मेरा जो है ये काफ़ी लंबा हो चुका है, बट अगेन ये जो चीज़ें थी अगर मैं ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करता तो आई वुडंट बी सेटिस्फाइंग टू मी बिकॉज मैं फिर ऐसे लगता कि ऊपर ऊपर जस्ट बता के जा रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। सो दैट इज द रीजन कि ये वीडियो आज का लंबा हो गया। एंड अगेन आई बिलीव कि द पर्पज ऑफ मी एक्सप्लेनिंग द साइंस बिहाइंड यू इज क्लियर एंड आपको जो है अभी इसके पीछे का साइड फैट बेली फैट इसके पीछे का साइंस जो है ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगेन अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा देन प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा बिकॉज योर लाइक मैटर्स अ लॉट टू मी। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी बी फिट, जय हिंद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग Stay safe, everybody.